देखो जितनी संगत विराजमान है, एक बार सभी मिलके जयकार लगाओ, बोलो सतगुरु महाराज की। और आइए गुरुदेव के चरणों में एक ही भाव रखेंगे, क्योंकि समय के अनुसार सभी अपनी अपनी वाणी रख रहे हैं गुरु महाराज जी के चरणों में। आया है एक सिंहासन चढ़ चला एक बधा जंजीर मौत बुढ़ा रवि आपदा सब का ज्ञान काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। बोलो जगत गुरु रविदास जी महाराज देव गबद धनि धनि दाप मग मरे सन धनि गुरु नाम को रटले बंदे गुरु नाम को रटले बंदे जीवन गए थोड़ा के दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जागते रहो, देखो संतों का काम है जगाने का, क्योंकि कहते हैं जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और आजकल लकड़ी के मकानों में चिरागों को भी मत रखिएगा, क्योंकि आजकल तो पड़ोसी भी आग बुझाने वो भी सोच रहे जिसका लकड़ी लगने दो। तो आइए संत ऐसे होते हैं, सरवण जी माला ठीक करो यार, आ जाओ आ जाओ। और एक बार हमारे अरुण भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ सब। देखिए ये जो कार्य करके लेके चल रहे हैं ना, छोटी मोटी बात नहीं है। आपको पता है एक आदमी को अपनी गृहस्थी संभालनी भी बड़ी भारी है। तो आओ गुरुदेव के चरणों में बोलो सतगुरु महाराज की कहेंगे दे जीवन गए थोड़ा गुरु नाम को रट ले बंदे Oh,
घोड़ा घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। सभी सेवा करते हैं गाना बजाना अलग है क्योंकि सत्संग की मर्यादा होती है कुछ। और भैया मैंने संगीत से प्रभाकर है इसलिए नाम इन्होंने प्रभाकर लगाया। तो हमारे श्रवण जी बहुत अच्छे अपना प्रशंसक भी हैं, तो ये कह रहे कि थोड़ी सी सरगम सुना के जरूर जाना क्योंकि देखो मुझे भी निकलना हाथरस और मेरी 4 बजे ट्रेन में आया भी था अलीगढ़ से क्योंकि हमारे अरुण भाई का फोन गया कि ऐसे हम शादी करते हैं पिछली बार भी। तो आइए एक छोटी सी नोटेशन के साथ में कह रहा हूं ये रखना दे दाना दे दाना दे दाना दे दाना दे दाना बढ़िया करके बजा ये सरोन भाई के लिए है। सानी दा नी दा मा मगजन धन सागमा मगजन धन सागमा मगजन धन सागमा का
शरण भाई। बोलो जगत गुरु रविदास जी महाराज की।